सबसे पहले ये कहूंगा कि मुझे इस इंडस्ट्री में 30 साल हो गए हैं और कभी इतनी बड़ी ऐतिहासिक फिल्म मैंने कभी नहीं की। डॉक्टर साहब ने जब मुझे बताया कि मुझे सम्राट पृथ्वीराज चौहान प्ले करना है, इसके ऊपर इस कहानी पे मुझे रोल अदा करना है, तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात थी। ऐसा लगा कि उस वक्त कि मेरा जीवन सफल हुआ कि इतने बड़े योद्धा की कहानी पर मुझे मौका मिला है कि वो रोल मैं कर सकूं। तो मैं सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा और साथ में आदि चोपड़ा जी, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है और ये बीड़ा उठा है कि ये फिल्म बनाए। मुझे वो भी ये दिन याद है जब पहली बार मैं डॉक्टर साहब से मिला और जब उन्होंने मुझे बताया तो सबसे पहले उन्होंने मुझे एक किताब दी थी, पृथ्वीराज रासो, और वो किताब मुझे कहा गया था कि इसे आहिस्ते आहिस्ते पढ़ो। ऑब्वियसली उसके जो शब्द थे वो काफ़ी कठिन थे, तो डॉक्टर साहब बैठते थे, मुझे समझाते थे, आहिस्ते आहिस्ते पढ़ते पढ़ते मुझे महसूस हुआ कि कितने बड़े योद्धा हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान। और हम जब हिस्ट्री किताब में जब पढ़ते हैं तो सिर्फ एक पैराग्राफ आता था उनका। आज ये फिल्म मैं चाहूंगा देश का ही नहीं दुनिया का हर बच्चा देखे। इट्स एन एजुकेशनल फिल्म। ये फिल्म आप खुद ही देखेंगे, आपको खुद ही महसूस होगा कि आप अपने बच्चों को ये फिल्म दिखाना चाहेंगे, उन्हें बताना चाहेंगे कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की कहानी क्या है, क्या क्या किया था। बस ऐसे ही करके मुझे उसके बारे में और भी बहुत सारी बातें पता चलती गई और मुझे बहुत गर्व से मैं कहता हूं कि मुझे ये मौका मिला कि मैं ये फिल्म में काम कर सकूं। आई एम वेरी प्राउड।